What's up guys, welcome back to another Thug Life video. आज हम देखने वाले हैं Thug Life of Munawwar Fariqui, Savage Diplomat Munawwar. और काफी डिमांड थी कि इनकी वीडियोस पे रिएक्ट करो. काफी वीडियोस पे हमने रिएक्ट भी किया है, घोस्ट स्टोरी पे किया है, एक दो कॉमेडी और. तो और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो. और इनकी Thug Life पे भी काफी डिमांड थी. तो लेट्स एंजॉय. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. और किसी के लिए कोई हेटर नहीं है, मस्ती मजाक में होगी. करें शुरू. 1 2 3 गो. चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट. तो आज मैं लेकर आया हूं Munawwar Fariqui की ठग लाइफ. तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मारो और चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट. मेरे दुश्मनों के रात के ख्यालों में मैं हूं और सुबह की पहली चाय के प्यालों में मैं हूं. और इस साल लॉकअप सीजन 1 का थैनोस भी मैं हूं और आयरन मैन भी मैं हूं. वाह वाह वाह, हर हर. क्या बात है, दोनों मर जाते. Munawwar की एंट्री हुई थी शो में, तो वहाँ सुनील पॉल को भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था. तो कंगना Munawwar और सुनील से पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो. सुनील जी, आप क्या एक दूसरे को जानते हैं? उनको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से. अच्छा, जी मैं भी जानता हूँ. आप भी जानते हैं? जी, टीवी था हमारे घर. तो सिद्धार्थ कनन जो कि एक डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो Munawwar को बोलते हैं कि आपकी यूट्यूब वीडियो पर जो व्यूज आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी वीडियो में गाली गलोच होती है. मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कॉमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं. अब इस पर Munawwar ने क्या एपिक जवाब दिया यार, आओ सुनते हैं. आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ. आप क्यों जा रहे हो? तो सुनील पॉल का मानना है कि कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है. तो कंगना ने Munawwar से भी यही सवाल पूछा कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है. तो इस पर Munawwar ने क्या कहा, आओ देखते हैं. मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया. बट लेकिन दिखता है. पूरा दिखता है. दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है. नहीं, 80% तो नहीं है. 80% है. नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है. रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ. यार सुनील सर भी सोच रहे होंगे कि मतलब यार एक तो तुम उन्हें शो में बुला भी रहे हो और Munawwar इतना कमीना है कि ये एक भी चांस नहीं छोड़ रहा. इन्हीं पर क्यों केस होते हैं? 25 साल से हम लोग कर रहे हैं. मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया, मैंने बच्चन साहब के सामने भी, उन्हीं की नकल की, उन्हीं की बातें की, मुझे अप्रिशिएशन मिला, तालियां मिली, इनको चल क्यों मिल जाती है? अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं थे ना, इसलिए. भक्त क्यों नहीं? अब Munawwar और निशा रावल के झगड़े तो हर आए दिन चले रहते हैं लॉकअप में, लेकिन झगड़े के बीच में कब जैसे कोई कौन सी पंचिंग लाइन मार दे ये देखने का बड़ा मजा आता है. हाँ तो लो ना ऑफेंस. हाँ ठीक है, ले लो. हाँ हाँ, कुछ तो लो. चलो Munawwar टमाटर की चटनी बना रहा होता है तो बीच बीच में वो अपनी उंगलियों को भी चाटता रहता है. तो निशा को ये चीज बड़ी अनहाइजीनिक लगती है, तो वो खुलकर बोलती है इसके बारे में. लेकिन इस पर Munawwar ने क्या रिप्लाई किया, आओ देखते हैं. किसी का जूठा नहीं खाना पसंद कर सकता है, और जब आप कॉमन लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतनी मैनर्स तो हर किसी में होनी चाहिए. क्योंकि हम भी जब कोई रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं भी किसी के घर भी जाएं तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो. तो ये बात ठीक है. Munawwar आप क्या कहेंगे इस पे? एक प्राइवेट बेडरूम और किचन इनको प्रोवाइड किया जाए. नहीं चढ़ा तो मैंने यूं जलजला ले आना है. चल जरा तू बम्बई 70 बल वाला दिखलाना है, वहाँ पब्लिक पत्थर मारेगी पत्थर. काचा बादाम गर्ल उस अंजलि अरोड़ा की रोस्टिंग वीडियो तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन Munawwar ने जो अंजलि के साथ साथ पूरे टिकटॉक वालों को रोस्ट किया है ना शो में, वो देखने लायक है. 10 सेकंड ही रहते. इतना कंटेंट नहीं बना सकते तुम लोग, 10 सेकंड 15 सेकंड बस.
बदन पे नो ब्रांड्स आया तो पैसे को परछाओ पहले नो थैंक्स कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है बहुत फैंस। तो मैंने लॉकअप पर एक रोस्ट वीडियो भी बनाया है और मुझे उम्मीद है कि वो रोस्ट वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, तो जाकर देख लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर। अरे भाई बढ़िया थी। और ये चीज है, और एक अलग ही फैन फॉलोइंग चल रही है मुनावर की लॉकअप शो में। और लॉकअप शो में एक चीज देखिए, सबकी कोई ना कोई थग लाइफ बन जाती, सब लोग ही सैवेज रिप्लाई करते हैं उस शो के अंदर। कंगना भी काफी सैवेज रिप्लाई कर देती है, ये भी करते हैं। एक वो कहा था कंगना ने, वो क्या कहा, वो छह उंगली वाले से नहीं हो पाया ऐसा कुछ था। नहीं, छह उंगली, हाँ कुछ ऐसा था कि जो पांच उंगलियां उनके भी होश उड़े हुए और होश तो छह उंगली वालों के भी, ऐसे भी बोला था। एक वो बढ़िया रिप्लाई था ना टिकटॉक वाले भी ऐसे मस्त, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कोई वैसे नहीं है। और जैसे वो था एक वो हमारे घर भी टीवी है, हाँ जी जानता हूँ, हमारे घर भी टीवी था। वो चाहा कि मैंने सड़कों, मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था। और स्टार्टिंग में प्लस एक वो नहीं था, वो चाय वाला और थैनोस, थैनोस वाला जो था बहुत बढ़िया, दोनों ही बढ़िया, एकदम से एक ही लाइन में वक्त जैसा। उसने इतनी सारी बातें बोली, उसने एक लाइन में खत्म कर दिया, खत्म काटा बाय बाय कर दिया। एंड आई एम श्योर वीडियो काफी एंटरटेनिंग रही होगी और अलग ही फैन फॉलोइंग चलती है वैसे, ये बात तो है मुनावर की। और लोग पसंद भी कर रहे हैं, मतलब कई बार वो एक जो वो होता है ना चुलबुला बस जाता है ना जनता के दिमाग में कि हाँ भाई ये। हाँ, बाकी आप लोग को अगर और थरले वीडियोस चाहिए मुनावर की तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आप सजेस्ट भी, चैनल नेम भी सजेस्ट कर सकते हो जहाँ से हमें मिल जाएंगे वीडियोस। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।